पश्चिमी राजस्थान नकली खाद्य सामग्री के लिए काफ़ी बदनाम रहा है। रसद विभाग के साथ ज़बरदस्त सेटिंग के संकेत कई बार मिले हैं, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर कई मामले पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग और जिला रसद अधिकारी कार्यालय की निस्तेज कार्यशैली के चलते लगातार बाड़मेर के बाज़ार में नकली खाद्य सामग्री पैर पसार रही है और ग्रामीण इलाकों में हाल काफ़ी बुरे हैं। बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर सदर थाने के पास संदेह के आधार पर नकली घी से भरी हुई पिकअप को जब्त किया। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि एक पिकअप गाड़ी गुजरात से नकली घी भरकर जैसलमेर सप्लाई पर जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने सदर थाने के पास पिकअप को रुकवाकर पिकअप में भरे 1875 लीटर घी जब्त कर उसके सैंपल भरे और जांच के लिए भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट में नकली पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CMHO हेमराज सोनी भी यहां पहुंचे और पूरे प्रकरण पर उन्होंने जानकारी ली। एक्चुअली में क्या है, गाड़ी जो गुजरात से जैसलमेर जा रही थी, ऐसी मुखबिर द्वारा सूचना मिली, उसके आधार पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और गाड़ी को रुकवा करके उसकी कार्रवाई की जा रही है और उसका सैंपल लेकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। घी तो इसमें लगभग 2 टन के आसपास होगा, लगभग 2 टन है, 90 टिन है, 15 केजी के और 32 कार्टून है। इसकी तो सैंपल लेकर हम भेजेंगे, जब इसकी उसके बाद में इस अगर जांच रिपोर्ट आएगी 10-15 दिन बाद में, और जांच रिपोर्ट में अगर कुछ मिलावटी पाया जाता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी।